ममता बनर्जी के गढ़ में अप्रशासनिक राजनीति क्यों और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर फिर कैसे गरमाई राज्य की सियासत, पूरी खबरें देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल में। नड्डा के काफिले पर अटैक को लेकर प्रशासनिक सियासत जारी है। बंगाल के मुख्य सचिव को आज गृह मंत्रालय में पेश होना था, जिस पर मुख्य सचिव ने गृह मंत्रालय को सूचित किया है कि फिलहाल अभी जेपी नड्डा मामले की जांच चल रही है, ऐसे में वो नहीं आ सकते। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दो गुटों में हिंसक झड़प हुई। चुनाव से पहले टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। पश्चिम बर्धमान जिले के देशमोहन गांव में यह हिंसक झड़प हुई। इस झड़प और बमबाजी में टीएमसी के दो कार्यकर्ता घायल हुए हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पश्चिम बंगाल में रक्त रंजित राजनीति जारी है। 24 घंटे में दो बीजेपी कार्यकर्ताओं के शव मिले हैं। नॉर्थ 24 परगना और पूर्वी बर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। इन सब घटनाओं में 6 कार्यकर्ता जख्मी भी हुए हैं। बीजेपी ने टीएमसी पर हत्या का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में बीजेपी लगातार ममता सरकार और टीएमसी समर्थकों को घेर रही है। परसों उत्तरी 24 परगना में कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बीजेपी समर्थकों ने बीजापुर पुलिस स्टेशन का घेराव किया और जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या और हाल में ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर राज्य के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि ममता बनर्जी हिंसा के दम पर सत्ता में वापसी चाहती हैं। विजयवर्गीय ने राज्य में तुरंत केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज से 3 दिन के उत्तरी बंगाल के चुनावी दौरे पर रहेंगी। ममता आज सिलीगुड़ी पहुंचेंगी। आज रात्रि विश्राम के बाद जलपाईगुड़ी में एक जनसभा करेंगी। बुधवार को कूच बिहार में सभा करेंगी। यहां के 3 जिलों के बूथ वर्कर्स से भी मिलेंगी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी हर गांव, गली और घरों की दीवारों पर पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल की पेंटिंग कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ता मोदी मोदी के नारे लगाते पेंटिंग अभियान के जरिए अपनी पार्टी के आधार को मजबूत करने में जुटे हैं। जिले के करीब 2300 बूथ में से 1500 बूथ पर पेंटिंग का काम चल रहा है। पश्चिम बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग के सीनियर अधिकारियों की टीम राज्य का दौरा करेगी। 17 दिसंबर से 2 दिन के दौरे में आयोग की टीम राज्य के अधिकारियों के साथ चर्चा करेगी। साथ में विपक्षी पार्टियों की शिकायतों को लेकर भी उत्तरी बंगाल के हालात की समीक्षा की जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के कंडी शहर में टीएमसी के बोंगी धोसी जुलूस के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाइक से जा रहे बीएसएफ के जवान की जमकर पिटाई कर दी। तृणमूल समर्थकों के हमले में बीएसएफ जवान बुरी तरह घायल हो गया। जवान के परिवार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।